हाय गाइस, तो शाम के बज गए हैं 5 और मैं बना चुकी हूँ रंगोली। तो आप लोग को दिखाते हूँ बैक कैमरा से। तो गाइस ऐसा कुछ रंगोलियाँ बनाई हुए हैं, इधर वेलकम भी लिखे हुए हैं, दीपक वगैरह बनाई हूँ और जल्दी जल्दी में बनाए हैं। और शाम को 5 बज गए हैं तो मार्केट भी जाना है। आज हमारा इधर मार्केट लगती है तो सब्जी भी लेके आना है। और सुबह में गए थे हस्बैंड तो थोड़ा सा सब्जी लेके आए हैं और अभी जाएंगे। और इधर ऐसा कुछ लोकेशन है दरवाजे के सामने का। जय श्री राम, भोलेनाथ सब श्री राम सीता सब। पूजा वूजा तो हो गई, अगरबत्ती यहीं पे खा चले हैं। भिख्या दूसी का हमारा पूजा हो गया है, अब जा रहे हैं दीपक रखने के लिए बाहर में। सब जगह दीपक वगैरह रखेंगे है ना, तो चलते हैं दीपक रखने। नीचे 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 रख दे, पूज पूज पूरे पूज नीचे नीचे रे। दोस्तों इतना हवा चल रही, इतना हवा चल रही ना कि आप लोग को हम क्या ही बताएं, बहुत हवा चल रही। देखिए हम दीपक वगैरह रखे हैं सब जगह, लेकिन पूरी दिया है तो बुझ बुझ जा रही है, क्या ही बताएं। बहुत ज्यादा हवा चल रही है गाइस, बहुत बहुत ज्यादा। गाइस आप चाचू लोग आज का त्योहार अच्छा नहीं मान रहा है, पूरा दिया बुझ जा रहा है ना। हाँ पूरा दिया बुझ रहा है गाइस, क्या ही बताएं आप लोग को, अच्छा नहीं लग रहा है। एक भी दिया नहीं जल रहा है, ठहर ही नहीं रहा है गाइस। कम से कम कितना बार से जला रहे हैं लेकिन एक भी दिया ही नहीं ठहर रहा है, पूरा दिया बुझ जा रहा है गाइस। कितना तेजी से हवा चल रही है, बहुत हवा है। मोमबत्ती जला के रख दो। श्री राम बोलो सब लोग, जय श्री राम। जय श्री राम बेबी, जय जय श्री राम, जय श्री राम। तो गाइस पूरा क्या कराए थे, पानी फिर गया, एक भी दीपक नहीं ठहर रहा है, देख रहे हो बहुत ज्यादा हवा चल रही है, बहुत क्या ही बताएं आप लोगों को, बहुत हवा चल रही है। और सब में रखे थे लेकिन एक भी दिया ही नहीं ठहर रहा है गाइस, पूरा दिया बुझ बुझ जा रहा है, पूरा दिया बुझ गया है, एक भी दिया ठहर नहीं रहा है। इधर अंदर का तो जल रही है, ये देखो अंदर का जल रही है सारा, भगवान का पास रखे थे तो इधर का जल रही है। पूजा वगैरह तो कर लिए हैं हम लोग, पहले भगवान का, इधर भगवान का फोटो वगैरह है सब कुछ, तो इधर का हम लोग कर लिए हैं पूजा। और दिया ये भी जला लिए हैं और बाहर में रखे थे लेकिन हवा की वजह से ठहर नहीं रही है। और मार्केट चले गए थे गाइस तो वीडियो हम शूट नहीं कर पाए हैं कुछ भी। और ये देखो सब्जी लेके आए हैं, ऐसे कैसे ही रखा हुआ है ये देखिए। और ये नहाने के लिए मग्गा लेके आए हैं क्योंकि मग्गा टूट गया था, टाइम हो रहा था इसलिए पूजा वूजा करने लगे थे। और 6 बज गए हैं तो अभी तक हमारा खाना आना भी नहीं बना है, थोड़ा थोड़ा अंधेरा भी होने लगी है। और हाय दोस्तों, तो इधर सब्जी पक रही है, इधर पूरी बन गई है, चावल है, पनीर पापड़ है। हाँ जल्दी से खाना बना रहे हैं, बहुत लेट हो गए हैं और लेट इसलिए हुए हैं कि मार्केट चले गए थे इसलिए, और पूरा फेस पे पसीना आ रहा है इसलिए ऐसा लग रही है। तो वीडियो में आप लोग ऐसे बने रहे हो, लोकेशन कुछ अच्छा नहीं आ रहा है क्योंकि किचन में है और खाना बना रहे हैं जल्दी से इसलिए। और
ऐसी वीडियो में बने रहे, मिला दिखाते रहेंगे। लिए हैं सब लोग ने, और अभी बर्तन साफ करने का है, लेकिन अभी नहीं करेंगे, मॉर्निंग को करेंगे आज, क्योंकि बहुत थक गए हैं। और मार्केट से गए, उधर से आके पूजा पाठ किए हैं, और जल्दी जल्दी से खाना वाना बनाए हैं, तो बहुत जल्दी जल्दी किए हैं। और इधर बेबी कपड़ा चेंज कर ली है, और बाल को देखो कैसे बांध के रखी है। हाय ससुर, जय श्री राम, जय श्री राम। तो गाइस, जोर से बोलो जय श्री राम, जय श्री राम। तो गाइस, आप वीडियो को करने जा रहे हैं एंड, और क्योंकि ज़्यादा बड़ा वीडियो बन जाएगी, और नाइट को 10:30 भी बज गए हैं, और कपड़ा चेंज भी करेंगे, और बच्चे लोग को भी नींद आने लगी, तो इन लोग भी सोएंगे अब, और मॉर्निंग को जल्दी भी उठना पड़ती है, इन लोग का स्कूल है, तो इसलिए। और पूरा तो वीडियो देख के खूब सारे एंजॉय करना, और प्यारा प्यारा सा कमेंट करना, और चैनल को नए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, है ना। हाँ। और आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय, लव यू। अरे आज तो जय श्री राम बोलेंगे, जय श्री राम, लव यू, टाटा, जय श्री राम, जय श्री राम, बाय बाय।